ए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम लोग अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अब मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 3 दिन हमारी बिजनेस की क्लास चलेगी और 3 दिन हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जनरली आज हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझते जाना सारे बच्चे, प्रॉपर तरीके से देखना। सर, डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? तो बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिज़ायर। डिमांड अगर क्रिएट करनी है, डिमांड स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले किसी ह्यूमन बींग के अंदर, इंसान के अंदर डिज़ायर रहती है। डिज़ायर यानी आप सोचते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा मुझे कार चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? कार चाहिए। इज़ दैट क्लियर? अब सिर्फ सोचने से क्या डिमांड क्रिएट हो गई क्या? सिर्फ सोचने से क्या कार आ जाएगी क्या? नहीं सर, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की, ठीक है ना। उस कार को खरीदने के लिए पैसा चाहिए भैया, फ्री में नहीं आती, तो उसको बोलते हैं एबिलिटी टू पे। इज़ दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट डिज़ायर, दूसरा एबिलिटी टू पे। अगर आपकी एबिलिटी है पे करने की, तो वो डिज़ायर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? वॉन्ट में। इज़ दैट क्लियर? डिज़ायर होनी चाहिए, साथ में एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, और अगर आपकी एबिलिटी टू पे है तो वो आपकी क्या हो जाती है सर? वॉन्ट। अब आपके पास पैसा भी है, उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। कई सारे लोगों की डिज़ायर होती है ये खरीदना है, बंगला बनाना है, उनके पास पैसा भी होता है लेकिन खर्च करने की विलिंगनेस नहीं होती। मैं इसको बोल सकता हूँ कंजूस ही। बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, खर्च करने की इच्छा ही नहीं है भैया। इज़ दैट क्लियर? तो जिसके पास, जो डिज़ायर कर रहा है, जो जिसकी एबिलिटी है पे करने की, साथ में विलिंगनेस है उसको खर्च करने की, समझ में आ रही बात? तो ये अगर तीनों पॉइंट अगर एडअप हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। इज़ दैट क्लियर? ये बेसिक मतलब है डिमांड का, डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो इससे क्या फॉर्म होती है सर? डिमांड। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ जिसके कारण डिमांड इफेक्ट होती है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं सर जिसके कारण मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड पर काफ़ी इफेक्ट होता है? बेटा आपके सामने ये 5 पॉइंट्स हैं और ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बोलो, फैक्टर्स बोलो, एक ही बात है। और सर ये क्या लिखा है आपने, इंडिविजुअल डिमांड? बेटा ये मैं जब वीडियो एंड अप करूँगा उस टाइम पर मैं आपको बताऊँगा कि वॉट इज़ इंडिविजुअल, अभी समझते जाओ। तो आपके सामने 5 फैक्टर है सर, ये PX, PR, Y, T and F। सर सबका मतलब बताऊंगा मैं। सबसे पहले PX पे आते हैं सर। PX का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। X यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल हो गया, कार हो गया, TV हो गया, whatever, ठीक है। एक जनरल रूल याद रखो, जितनी महंगी चीज़ होती है ना लोग उसको कम खरीदते हैं। इज़ दैट क्लियर? और जितनी सस्ती चीज़ होगी लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ये तो जनरल रूल है। तो प्राइस जितना ज़्यादा होगा डिमांड उतनी कम होगी। इज़ दैट क्लियर? और प्राइस जितना कम होगा डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। सर ये QD क्या है? QD मीन्स क्वांटिटी डिमांड। अभी वो क्लियर हो जाएगा सर ये क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखा है, ठीक है बच्चों। तो जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम, प्राइस जब कम हो रहा है डिमांड ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, समझ में आ रही बात? नेगेटिव रिलेशन। आपके सामने एक टेबल दे रखी है, पहले प्राइस 10 था, फिर क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई सर? 5। प्राइस फिर 20 हो गया, क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी सर? 4। प्राइस 30, प्राइस 40, प्राइस 50, डिमांड 3, डिमांड 2 एंड 1। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर? प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है डिमांड कम होती जा रही है। और सर क्वांटिटी क्यों बोला, ध्यान देना बच्चों, क्वांटिटी इसलिए कि पहले 5 थी क्वांटिटी, फिर लोग कितने खरीद रहे हैं? 4। यानी जब प्राइस 10 रुपये हैं तो लोग सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जब प्राइस 20 रुपये हैं तो लोग 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? तो इसको इसलिए मैंने बोल दिया क्वांटिटी, हालांकि आप डिमांड बोल सकते हो, क्वांटिटी डिमांड बोल सकते हो, एक ही बात है। सिंपल डिमांड भी बोलो चलेगा। अब ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने जिसमें हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करो, आपने एक सेकेंड, एक चीज़ है एक्स एक्सिस, ठीक है, जिस पर हमने क्वांटिटी ली है, और एक है आपका वाई एक्सिस, एक है और एक है आप लोगों का कौन सा बेटा, वाई एक्सिस, ठीक है, उस पर हमने लिया है प्राइस, समझना। तो आप एक चीज़ देखो, ये क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 और ये प्राइस था 10, 20, 30, 40, और सर ये स्लोप बन गया डाउनवर्ड। क्या डायग्राम बन गया सर ये,
सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है तो जो डिमांड है वो क्या होती जा रही है सर, कम होती जा रही है। इसलिए जो डायग्राम है इसकी जो लाइन है ये डाउनवर्ड हो गया, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप। क्या बोलेंगे सर? डाउनवर्ड स्लोप। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। और सर हम पढ़ के आ रहे हैं डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स बोल दो। पहला पॉइंट क्या है? पी एक्स, दैट इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? अब मैं सेकेंड पॉइंट पर आता हूँ। सेकेंड पॉइंट है सर पी आर। क्या पॉइंट है सर? पी आर। पी आर का मतलब क्या होता है सर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं आपको सारे वो फैक्टर समझाते जा रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट पी एक्स हो गया, सेकेंड पी आर। ये दो पार्ट्स में सर, एक सब्सिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सर ये सब्सिट्यूट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मैं समझाऊंगा। सब्सिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सर एग्जाम्पल लाइक टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, अगर टी महंगी मिल रही है तो कॉफ़ी यूज़ कर लेंगे, कॉफ़ी महंगी मिल रही है तो टी का यूज़ कर लेंगे। बोलोगे सर ऐसा होता है कि क्यों नहीं होता? सब्सिट्यूट गुड्स का मतलब मैं एग्जाम्पल किसका आएगा सर? टी टी एंड कॉफ़ी। और एग्जाम्पल सर लैपटॉप एंड कंप्यूटर। अभी हम लोग टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफ़ी की मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और सर टी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर ये क्या चीज़ है बच्चों? सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कॉफ़ी का सब्सिट्यूट है टी, मान लो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग कॉफ़ी ना खरीद कर टी को ज़्यादा खरीदेंगे, जिसके कारण टी की डिमांड बढ़ जाएगी। बोलोगे सर टी के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे? बेटा यार नीचे ध्यान देना, ये छोटा सा बादल क्लाउड बनाया है और मैंने यहाँ पर लिखा है अज्यूम टी के प्राइस कॉन्स्टेंट है। टी के प्राइस कॉन्स्टेंट है, सिर्फ कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कॉफ़ी को ना कंज्यूम करके टी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसके कारण टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ख़त्म बात। आई बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, समझो ये पूरा ऐसा होता है। अब आप देखो ये डायग्राम बनाया है, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्सिट्यूट गुड्स। तो हम लोग क्या करेंगे सर, कॉफ़ी का सब्सिट्यूट क्या है सर? टी। तो टी की डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना? जिसका प्राइस कांस्टेंट है सर, यहाँ पर प्राइस किसका कांस्टेंट है? टी का प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे, उसकी डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ा वो देखेंगे सर। तो टी की डिमांड तो बढ़ गई। अब ये देखो यहाँ पर वाई एक्सेस पर हमेशा प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सेस पर क्वान्टिटी लेते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डिमांड कर्व क्या होता है सर? डाउनवर्ड होता है। एक रूल याद रखो, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी बच्चों, डिमांड कर्व उतना राइट में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? राइट में। ये देख लो सर, यहाँ पर ये लाइन क्यों खींची है आपने, ध्यान से समझो, लाइन क्यों खींची है आपने? क्योंकि बेटा टी के प्राइस कांस्टेंट है और सर ये डाउनवर्ड डिमांड कर्व बोलेंगे इसको, और डिमांड किस में शिफ्ट होगी सर? राइट में, क्योंकि टी की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो राइट में, डिमांड घट रही है तो लेफ्ट में। दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो जो ये जो डायग्राम है, डी डी से किस में शिफ्ट हो गया सर? डी वन में शिफ्ट हो गया। इज दैट क्लियर? आप इसका टेबल भी देख सकते हो, टी के प्राइस था पहले 10, फिर 10। मैंने बताया था टी के प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ उसकी क्या बढ़ रही है सर? डिमांड बढ़ रही है। चार से कितनी होगी सर? 8। अब इसका वाइस वर्सा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, ध्यान से समझना, कि सर प्राइस बढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइस घट रहे हैं। और एक चीज़ याद रखो, कॉफ़ी के प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो टी की डिमांड सर क्या हो रही है? बढ़ रही है। कौन सा रिलेशन सर? सर पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रही है। प्राइस किसके बढ़ रहे हैं? कॉफ़ी के, तो टी की डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा ध्यान दो, उसके बाद आप ढंग से एक चीज़ समझना, अभी प्राइस बढ़ रहे थे अब घटेंगे, उसका उल्टा केस। अब प्राइस घटेंगे तो सर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी और टी की डिमांड क्या हो जाएगी सर? घट जाएगी। सिंपल सी बात है, उसका उल्टा ही बढ़ रहे हैं हम लोग बस। उसमें सर राइट वर्ड शिफ्ट था, इसमें लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। उसमें भी टी का प्राइस कांस्टेंट था, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें बस क्या हो गया सर? लेफ्ट में चला गया। इज दैट क्लियर? बाकी पूरा का पूरा सेम, उसका उल्टा है बस, राइट की जगह लेफ्ट हो गया, डिमांड बढ़ने की जगह सर क्या हो गई? घट गई। बाकी पूरा का पूरा सेम, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ें। जैसे सब्सिट्यूट गुड्स हैं ऐसे हैं बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स सर? कॉम्प्लीमेंट्री।
सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आपका कार एंड पेट्रोल, क्या है कार एंड पेट्रोल सर, इसमें क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में जिनका यूज़ किया जाता है। कार कैसे चलेगी सर, कार तो पेट्रोल के बिना चल ही नहीं सकती, पेट्रोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। जैसे एक पैन में रिफिल का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे समझ में आ रही बात, पैन में रिफिल का होना ज़रूरी है, ऐसे कार में पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको कहते हैं जो जिनका यूज़ साथ में होता है और साथ में होना ज़रूरी है। विच आर कंज्यूम्ड टूगेदर, विच आर कंज्यूम्ड एक साथ यूज़ होते हैं। अब देखो, अब इसमें सर डिमांड पे कैसे इफेक्ट होगा, मान लो कार के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड भी तो कम हो जाएगी। बोलोगे सर पेट्रोल तो सारे लोग भराते हैं, एक्टिवा तो चलेगी ना, अरे कार का कंपैरिजन करो पेट्रोल से, सीधी सी बात है। अगर इमेजिन करो, मैंने क्या बोला इमेजिन करो, ज़्यादा वो मत जाओ, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कार, अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कार की कम हो जाएगी और पेट्रोल की भी डिमांड सर क्या हो जाएगी, सर कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, आई बात समझ। अज्यूम करो, जैसे आपने सब्सिट्यूट गुड्स में अज्यूम किया था कि टी टी के प्राइस सर क्या थे, कॉन्स्टेंट, इसमें अज्यूम करो सर पेट्रोल के प्राइस क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब डायग्राम पे ध्यान दो सर, अब हम लोग किसका डायग्राम बनाएंगे, सब्सिट्यूट गुड्स पे किसका डायग्राम बनाता सर, जिसकी डिमांड पे इफेक्ट हो रहा था, यानी टी पे, ठीक है सर। इस पे किसका डायग्राम, पेट्रोल का, जिसके प्राइस कांस्टेंट है ना, सब्सिट्यूट में प्राइस किसके कांस्टेंट थे सर, टी, और इसमें किसके प्राइस कांस्टेंट है, पेट्रोल। तो डायग्राम किसका बनेगा सर, उसमें बना था टी का, इसमें किसके में बनेगा, पेट्रोल का। तो बताओ पहले केस में पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है घट रही है, सर घट रही है, और जब भी मैंने आपको बताया था घटेगी तो आपका डायग्राम किस में चला जाएगा सर, लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है सर डिक्रीज इन डिमांड, और राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है सर, इंक्रीज इन डिमांड, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। टेबल देखो, पेट्रोल का प्राइस पहले 10 था फिर 10 था, बोलोगे सर इतना सस्ता, बेटा अज्यूम करो। अच्छा, पेट्रोल की डिमांड पहले 4 थी फिर कितनी हो गई सर, 2 हो गई, सिंपल सी बात है। अब इसका उल्टा केस, अब कार के प्राइस कम हो रहे हैं तो कार की डिमांड सर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पेट्रोल की डिमांड भी सर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वाह। और जब डिमांड बढ़ती है तो कहाँ शिफ्ट होती है सर, राइट में, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ये टेबल देखो, प्राइस तो वही का वही है पेट्रोल का, मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री में पेट्रोल का प्राइस कॉन्स्टेंट मान के चलो, सिर्फ डिमांड 4 से कितनी हो गई सर, 8 हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड। आई बच्चों सवाल समझ में, पहला पी एक्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सेकेंड पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आते हैं हम लोग थर्ड, जिसका नाम है वाई। सर ये वाई क्या होता है, वाई का मतलब होता है बच्चों इनकम, पैसा पैसा। मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी आज सैलरी है 1 लाख रुपए, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अचानक से होगी सर 2, बोलोगे सर अभी कहाँ से होगी, पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। मान लो, अज्यूम करो ना, बोला ना अज्यूम करो। देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक मैं पढ़ाऊंगा इन्फीरियर गुड्स। मैं थर्ड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इनकम विच इज़ इंडिकेटेड बाय वाई। अच्छा, इनकम के बढ़ने से गुड्स की डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये समझाने वाला हूँ अभी। अब मान लो नॉर्मल गुड्स, या सुपीरियर बोल दो या नॉर्मल गुड्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, नॉर्मल गुड्स बोलो या सुपीरियर गुड्स बोलो, एक ही बात है सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एसी एयर कंडीशनर। अच्छा बच्चों, तुम्हारी अगर इनकम बढ़ेगी तो तुम लोग कूलर को हटवा दोगे और सर क्या लगा दोगे, एसी। तो एज इनकम राइजेस, ये एरो है, तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड ऑल्सो राइजेस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम घटी, आपकी कम हो गई, 1 लाख से 2 लाख तो बढ़ गई थी, लेकिन मान लो कल को 1 लाख से सर 50 हज़ार हो गई, 20 हज़ार हो गई, तो आप सुपीरियर गुड भी क्या करोगे सर, नहीं परचेज करोगे, डिमांड ही नहीं करोगे। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, मैं और अच्छी चीज़ें परचेज करूँगा भैया, एयर कंडीशनर लगाऊंगा अपने घर पर। जैसे ही भैया इनकम घटेगी तो मेरा बजट डाउन हो जाएगा, तो एयर कंडीशनर हटा दूंगा, कूलर में सोऊंगा, पंखा लगा दूँ। इसको यूं भी समझ सकते हो, इनकम बढ़ी तो भैया कार वार लेकर आ गए, फॉर्चूनर लेकर आ गए कार, है ना, क्योंकि इनकम बढ़ गई यार, इतना तो बजट बन गया। इनकम घटी, वापस मारुति 800 पे आ गए, हो सकता है कल को वापस अपनी बाइक चलाने लग जाओ, समझ में आ रही बात।
तो ये हो गया सर नॉर्मल गुड्स। अब आती है बात इन्फीरियर की। अब इन्फीरियर में सर क्या है, इन्फीरियर यानी लो वेराइटी के गुड्स, बहुत लो वेराइटी के। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही? कैसे सर? अब मान लो आपकी इनकम जब बढ़ी, इन्फीरियर गुड का रिलेशन देख रहे हैं, तो आप अच्छे गुड्स परचेज करोगे, बेकार गुड्स परचेज करोगे? सर अच्छे गुड्स परचेज करूँगा ना। अगर मेरा इनकम बढ़ी तो मैं ब्लैक एंड वाइट टीवी परचेज करूँगा क्या? नहीं सर। क्या मैं छोटी मोटी कारें चलाऊँगा क्या? नहीं सर। तो जैसे इनकम बढ़ती है तो जो डिमांड होती है इन्फीरियर गुड के लिए वो क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है। और इनकम घटी तो डिमांड जो इन्फीरियर गुड के लिए होती है वो क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। मेरे पैसे, मुझे अब पैसे की कमी आ गई, मान लो भगवान करे कभी भी नहीं आए, तो पैसे की कमी आ गई, मेरी इनकम कम हो गई, तो मैं सस्ते गुड्स खरीदूंगा, लो वैरायटी के गुड्स खरीदूंगा, क्योंकि मुझे अपना बजट देखना है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो हो गया एक इनकम का वाई दो पार्ट्स में, एक तो नॉर्मल, उसको सुपीरियर भी बोल सकते हैं, दूसरा कौन सा हो गया सर? इन्फीरियर। सर जो चौथा है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर इसमें क्या है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझो आप बात को। पहले के टाइम पे कीपैड फोन्स यूज़ होते थे मार्केट में, अब वो इतने यूज़ नहीं होते, लिमिटेड यूज़ होते हैं, समझ? आज स्मार्टफोन्स चलते हैं सर। तो अभी करंटली जो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो किसको खरीद रहे हैं सर? स्मार्टफोन्स को। तो उनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। और सर अभी किसकी प्रेफरेंस कम है सर? कीपैड फोन्स की कम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो डिमांड भी सर क्या है? कम है। यानी प्रेफरेंस जिसकी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा, एंड वाइज एंड वर्सा। तो सर ये कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं भैया, दोनों ही बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? दोनों बढ़ रहे हैं। अब आते हैं आपका नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। इमेजिन करो आप अपने घर पे बैठे हो, और है ना, मान लो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भैया पूरा जून फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर से लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है जून से, 1 महीने के लिए। बोलोगे सर ऐसा ना हो? ना हो, पर इमेजिन करो ना, वही तो बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है फ्यूचर में, अब अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आया कि यार कल को सब्जियों के प्राइस है ना ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, 10-15 दिन बाद आलू महंगे नहीं हो जाए, फ्यूचर में आपको लग रहा है प्राइस बढ़ नहीं जाए, तो उसको आज खरीदोगे कि फ्यूचर में खरीदोगे? सर आज खरीदेंगे ना। कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है भविष्य में महंगी होने वाली है सर, तो उसको खरीदोगे कब? सर आज खरीदेंगे, दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है। ये क्या लिखा है? EF मतलब एक्सपेक्टेशन। अगर आपको कस्टमर हो आप, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी करंट में। और अगर आपको लग रहा है सब्जियां फ्यूचर में सस्ती ना हो जाए, तो आज तो उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे सब्जियां नेसेसिटी है, वो तो सर खरीदनी है। आप इस एग्जांपल को यूं भी समझ सकते हो, मान लो ज्वेलरी की बात करते हैं, इस एग्जांपल को यूं भी समझ सकते हो, मान लो ज्वेलरी, ज्वेलरी अगर लग रही है कि फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, तो उसकी आज डिमांड क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी, गोल्ड सस्ता हो जाएगा, तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बात खत्म, कॉमन सेंस लगाना है। तो इतना ही है आज, अपन लोग इतना ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। आई होप आपको सबको क्लियर होगा, हो गया होगा। जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है, शेयर द वीडियो, और कोशिश करो कि भैया 1 से 2 बार वीडियो को देखें, और ये जितने भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में उतारो बच्चों। जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, थैंक यू।